बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अर्जुन ब्लॉग्स में। तो गाइस, दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज दिन की शुरुआत सांप भगाने से हो रही है, क्योंकि हमारे घर में आ गया सांप। तो पहले से भगाते हैं और दिखाते हैं आपको भी सांप। तो अगर इनने ऐसे आगे मारा तो गाइस, ये अभी सांप चढ़ गया था रोहित दा के हाथ में। बहुत दूर दूर से आया है सांप देखने में। एक काशीपुर से आए, तो घर से आए लोग, वहाँ से देख रहे हैं बोविदा। तो गाइस, ये है कुछ तो सांप, ऐसे भगाते हैं और देखते हैं कब भागता भी है। आई थी दोपहर, भगाते हैं, मारना तो है नहीं इसे। टॉम थोड़ी मैं हो। हाँ, ये दीवार ना आ गया। ओए भाई, टॉम भी वेट कर रहा है सांप का। टॉम क्या हो गया? कहाँ वो? ये दीवाल में, दीवाल में। अच्छा, ये लोग को घर नहीं देना। वो है वो। अरे ये दीवार है। वो दीवाल में आ गया। दीवाल में खड़ा खड़ा है घर आया। ऊपर को आ रहा। और को भी दिखाते। तो गाइस, आपको मुंडी दिखा रहा हूँ सांप की। वह तो छोटा है पर ये बहुत भयंकर सांप है। दिख रहा होगा तो आपको, जूम करता हूँ। ये तो सब भगाते हैं फटाफट। पहले जूम करो, जूम दिख रहा था। तो गाइस, आ रहा है ऊपर को हमारी दीवार में। ये सब फटक से भगा देता है पहले, और हमने इसे भगाया। इसने अभी छिपकली खा रही है, मेरे ख्याल से थोड़ी देर बाद मर जाएगा खुद ही। गायब हो गया, और अभी हो गया गायब। गायब तो क्या हो गया, दो दो मिनट में वापस ये आ गया। ये वो है झाड़ी के ऊपर चढ़ गया, हो हरियाली झाड़ी के पीछे। वापिस नीचे आना होगा। अरुण अरुण नीचे, अरुण नीचे, अरुण का की हो रहा नीचे, ऊपर नीचे। पाइप को पर्पल वाले के वहां पर देखिए मुंडी है। अब कहां को भागा? अभी यही पर ही है, यही पर ही बैठा हुआ है। अरे ऊपर से कहां से? अबे यार, एक यही पर ही लगा लेंगे। ये तो है। चल बे, दीवार में है यार। दो दीवार के बीच में चले जाएगा अरुण। अरे नहीं, वो जो वहीं जा रहा। अरे जबरदस्ती कर रहा है वो भी। तो अरे तो गाइस, मैं हो चुका हूँ रेडी हल्द्वानी जाने के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं हल्द्वानी, रोहित दा और मैं। तो चलते हैं हल्द्वानी और देखते हैं क्या शॉपिंग वगैरह करनी थी करते हो, और चलते हैं, मिलते हैं आप सभी। ठीक
दिखाते हैं हल्द्वानी आज की मार्केट में, बजा संडे तो बहुत भीड़ वगैरह रहेगी, तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे। तो गाइस हम निकल चुके हैं हल्द्वानी के लिए, और हल्द्वानी चलते हैं और मिलते हैं आपसे, और रोहिता को दिखाता हूँ पहले। तो गाइस आज हमारी हायाबुसा निकल ली है और रोहिता है हमारे साथ, तो चलते हैं अब। गाइस अभी हम आ चुके हैं वॉक वे मॉल, और अभी चलते हैं अंदर, ज़रा से कपड़े कपड़े लेने हैं, ज़रा एंट्री कराते हैं, फिर चलते हैं अंदर को दिखाते हैं आपको यहाँ का मॉल। तो गाइस ये है कुछ यहाँ का मॉल, और यहाँ पे भी एक कार खड़ी कर रही है, और हम चलते हैं ऊपर को, हम चल रहे हैं ऊपर को। और मॉल कुछ ये ऐसा है, हमारे सबसे बड़ा मॉल है वैसे कहा जाए तो हल्द्वानी का ये, और इससे बड़ा कोई मॉल है नहीं इस टाइम पर यहाँ पर को। गाइस अभी जा रहे हैं ज़रा कपड़े लेने, और इधर तो चले गए अंदर को। तो गाइस सामान वगैरह तो ले लिया है, कपड़े वगैरह इधर ने अपने लिए, और अब चलते हैं सामान लेने घर का। गाइस अब आ चुके हम घर का सामान लेने। तो गाइस हमने तो ले लिया थार, और अब चलते हैं गाड़ी में सामान डालने। तो गाइस हमने सामान तो ले लिया है, और पीछे बिलिंग वगैरह हो रही है, और अब चलते हैं घर को, फिर घर में मिलते हैं आपसे। हो गया, मुझे ऑटो में जाना पड़ेगा, सामान तो बहुत हो गया है, तो मैं चलूँगा ऑटो में, और रोहिता बाइक से आएंगे, और मिलता है आपसे घर पे भी। गाइस रोहिता ने एक बोतल नहीं भरी, खोल दी बिलिंग करके। गाइस मैं पहुँचा हूँ घर पे, और टॉम बेचारा आज अकेले था घर पे, और मैं चले गया था हल्द्वानी क्योंकि रोहिता के साथ, तो ये बहुत खुश हो गया, अभी खेल रहा है, देख ही सकता है खेल रहा है अभी, तो मतलब तो अब देखते हैं कुछ थोड़ा घर का वगैरह काम कर लेते हैं, मेरे लोग गए हैं डायलिसिस कराने हल्द्वानी, तो करते हैं काम और मिलते हैं आप सभी थोड़ी देर पे, और फिर खाना खाने का भी टाइम हो गया है, खाना खा लेते हैं, 1:30 बज गए, तो मिलते हैं आप सभी। तो गाइस मैं ऊपर को जा रहा हूँ, मैंने सुना अभी ऊपर को एक तेंदुआ मरा है, तो फटक से जाते हैं ऊपर को, देखते हैं कि कैसी कंडीशन है तेंदुए की, ये मर चुका है कैसा है, जाते हैं फटक से देखते हैं। अरे हम ले जा रहे हैं चौकी को, तो गाइस यहाँ काड़ूधाम में हो चुका है बाघ का एक्सीडेंट, तो अब चलते हैं घर को, और ये लोग चौकी में ले गए हैं ऊपर को। मरे कैसे सर, मरे कैसे, मतलब हुआ क्या तुमको? आज मैं पहुँचा हूँ घर पे, और मेरी दिल की धड़कने वगैरह भी तेज़ हो गई है, क्योंकि मैंने आज पहली बार इतने पास से तेंदुआ देखा, मुझे डर भी लग रहा था कहीं वो जिंदा ना हो करके, और पता नहीं अब वो जिंदा है या नहीं है, जिस हिसाब से देखा वो तो लग रहा था मर चुका है करके, क्योंकि उसे जिस हिसाब से जंगलात वाले ले गए उसे पकड़ के ले गए, क्योंकि पिंजरे वगैरह में ले नहीं गए, उसे हाथ से ही ले गए सीधे, तो शायद वो खैर मर चुका है। और गाइस वो जो तेंदुआ था मेरे ख्याल से बच्चा था, क्योंकि जो बड़े जो होते हैं जानवर तेंदुए वगैरह बाघ वगैरह हमारे साइड में बहुत होते हैं, ये पब्लिक एरिया में ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि गाइस उन्हें भी डर लगे रहता है कि कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, तो वो पब्लिक एरिया में नहीं आते हैं, मेरे ख्याल से छोटा बच्चा था जो भटक के इधर को आ गया, क्योंकि हमारे पीछे जो आपने देखी है कि गौला नदी है, उसमें जानवर वगैरह पानी पीने आते हैं, तो शायद उसी के लिए अभी शाम के टाइम पे पानी वगैरह पीने आया होगा, और अभी वो मर चुका है, या शायद पता नहीं जो भी है, मेरे ख्याल से मर ही चुका है। और गाइस जो आप अगर कोई पहाड़ पर आता है तो गाइस ज़रा सेफ ही आएँ, क्योंकि गाइस यहाँ पर कोई जानवर वगैरह होते हैं, और जिससे आपको भी दिक्कत ना हो, जानवरों को भी ना हो, ऐसे हादसे वगैरह कम हो, तो गाइस ज़रा सेफ चलें, और
यही कहना चाहूँगा इस ब्लॉग में। और गाइस वीडियो यहीं पर ही एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है आपको इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।